गाइस वो देखा तुम लोगों ने, ये कैसे करा भाई? Hey, what's up everyone? This is Arslan Ikram and welcome back to my new After Effects classes. आज हम लोगों की थर्ड क्लास है और जैसा कि मैंने वादा करा था कि मैं फर्स्ट और सेकेंड क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ करके एक डेमो वीडियो बनाऊँगा और उसके ऊपर थर्ड क्लास जो हमारी बनेगी उस पर ट्यूटोरियल दूँगा. तो वेलकम बैक गाइज, एंड सबसे पहले तो आई एम सॉरी, मैंने इतने दिन से वीडियो नहीं डाली और मैं इतने दिन गायब रहा था क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट पे हम लोग वर्क कर रहे थे तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए था. तो उसके लिए सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा एंड चलो अब वीडियो शुरू करते हैं. अब देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, अपनी वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है न्यू कंपोजिशन सेटिंग में. ठीक है, कैसे करेंगे, इसको उठाएंगे और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे. ठीक, अब देखो मेरी वीडियो जो है वो 4K में है तो मेरा सिस्टम जो है वो थोड़ा सा हैंडल नहीं कर पा रहा था, वीडियो अटक रही थी. तो मैंने क्या करा कि मैं कंपोजिशन सेटिंग में गया और वहाँ पर से उसका रेजोल्यूशन जो है वो कर दिया 1920x1080. लेकिन हम लोगों को वर्टिकल चाहिए तो हम लोग अपोजिट रखेंगे. ठीक है, उसके बाद ओके. अब देखो यहाँ पर जाएंगे, एस दबाएंगे और यहाँ पर जो स्केल है उसको 50 कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने 4K रेजोल्यूशन का जस्ट आधा कर दिया था. ठीक, अब ये हमारी हो गई वीडियो. ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन वीडियो प्लेबल हो जाएगी. अब देखो ये वीडियो जो है विदाउट कट शूट हुई है, मैंने फ़ोन से शूट करा था. आप कैमरे से भी कर सकते हो लेकिन फ़ोन में स्टेबलाइजेशन फंक्शन रहता है जिससे कि वीडियो हमारी थोड़ी स्टेबल रहती है. ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पूरी एक्टिंग करनी है और अपने ऑब्जेक्ट को कहना है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है उसको कहना है कि वो आके जंप करे. ठीक, जंप होते ही उसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको एक चाहिए एम्प्टी बैकग्राउंड. ठीक है, तो उससे बोलना वो अपना जंप पूरा करे और उसके बाद आपको कैमरा शेक नहीं करना है बिल्कुल भी और उस ऑब्जेक्ट को कहना है कि वो बाहर जाए, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो कैमरे के बाहर जाए. जैसे ही बाहर जाएगा आपको अपनी एक्टिंग फिर से शुरू कर देनी है क्योंकि हम लोगों को एक एम्प्टी प्लेट मिल गया है तो हम लोग उस एम्प्टी प्लेट के साथ थोड़ा हुआ करेंगे. तो हम लोग एग्जैक्ट वो सिचुएशन ढूंढेंगे जहाँ पर हमारा कैमरा ब्लर ना हुआ हो. ठीक है, उसके बाद वहाँ पर से कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी दबाकर उसको स्प्लिट कर लेंगे. अब वापस हम लोग जंप वाली पोजीशन पे जाएंगे और वहाँ पर से भी कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी दबाकर स्प्लिट कर लेंगे. ठीक है, अब ये हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, इस फ्रेम पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये फ्रीज फ्रेम जो है इसको ये कर देंगे. फ्रीज करने के बाद हमारा क्या होता है कि टाइम फ्रीज हो जाता है और वो जो हमारा स्प्लिट लेयर है वो उसमें कोई मोशन नहीं होता है. आप यहाँ पर से कलर चेंज कर सकते हो ताकि तीनों लेयर में डिफरेंस पता रहे कि आपका जो वो है फ्रीज फ्रेम वाला वो कौन सा है. देखो हमारी वीडियो जो है प्ले नहीं हो रही है, बिल्कुल फ्रीज हो गई है. ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, मेन कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है. अब हम लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में या बीच में भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेयर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक, लेयर को सेलेक्ट करने के बाद ऊपर जाएंगे, ठीक है, पहले जूम करेंगे. ठीक है, जूम करने के बाद हम लोग ऊपर जाएंगे, ये पेन टूल सेलेक्ट करेंगे. देखो हम लोग की वीडियो थोड़ी ब्लरी है क्योंकि हम लोगों ने रेजोल्यूशन कम करा था इसलिए एज थोड़े पिक्सलेटेड हो गए हैं. अब क्या करेंगे, इस पेन से हम लोग ड्रॉ करेंगे मास्क. ये क्या करता है, जैसे हम लोग फोटोशॉप में क्रोप टूल यूज़ करते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है, बस हम लोगों को थोड़ा सा मैनुअली क्रोप करना पड़ता है. ये बिल्कुल वैसा ही है, ईजिली आप कर सकते हो. अब आपको क्या करना है कि इस पेन टूल से पूरे जो आपका सब्जेक्ट है उसको आउटलाइन करना है. ठीक है, और आउटलाइन कंप्लीट हो जाने के बाद ये क्या करेगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसे क्रोप कर देगा, यानी इस तरफ हमारा सब्जेक्ट रह जाएगा और बैकग्राउंड जो है वो गायब हो जाएगा. अब क्या करना है, हम लोगों को बैकग्राउंड पे क्लिक करना है. ठीक है, बैकग्राउंड पे क्लिक करके और इस बैकग्राउंड को हम लोगों को नीचे सेट करना है. लेकिन उससे पहले हम लोग जंप वाले पे जाएंगे, एफ दबाएंगे और फेदर को 3 कर देंगे. देखो फेदर का मतलब होता है जो हमारी एजेस होती हैं वो शार्प होती हैं, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ाओगे फेदर की तो शार्प एजेस जो हैं वो ब्लेंड हो जाएंगी आपके बैकग्राउंड के साथ. अब क्या करना है, आपको ऊपर का जो एम्प्टी लेयर है उसको नीचे वाली लेयर से लाके मिलाना है. ठीक है, बहुत आराम से मिलाना, और क्योंकि मिलाने के बाद आपको कैमरे का फ्रेम चेक करना पड़ेगा कि ज़्यादा शेक तो नहीं है, मतलब डिफरेंस पता तो नहीं चल रहा है कि बैकग्राउंड चेंज है. देखो थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा सा पीछे हो करके
हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट को एनिमेट करेंगे। अब जंप वाले पे जाएंगे, पी दबा के भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉप डाउन एरो से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर आओगे, ट्रांसफॉर्म में आओगे, तो आपको ये पोजीशन वाली वैल्यू दिख जाएगी, ठीक। लेकिन शॉर्टकट की है, आप उस पे जाओ और पी प्रेस करो तो आपका पोजीशन जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर से हम लोग मास्क को हाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि मास्क में कोई चेंजेस ना हो पाए। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टेप आगे जाएंगे, यानी कुछ फ्रेम्स आगे जाएंगे, और उसके बाद की फ्रेम तो हम लोगों ने सेट करा था, ठीक है, जैसे कि मैंने सेट करना सिखाया आप लोगों को, जैसा फर्स्ट ट्यूटोरियल में करा था, हम लोग वैसे ही क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके उसका की फ्रेम सेट करेंगे और उसकी पोजीशन को सेट कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाके। अब ये क्या हो गया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एनिमेट हो गया, हालांकि फ्रीज है लेकिन एनिमेट हो चुका है। अब आप जब इसको प्ले करोगे तो लगेगा सब्जेक्ट जंप करके हवा में उड़ गया, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा पता चल रहा है, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट जो है, जो बैकग्राउंड शिफ्ट है वो एकदम थोड़ा सा अलग हुआ है, क्योंकि सेकंड वाला जो लेयर है उसकी पर्सपेक्टिव और फर्स्ट वाले लेयर की जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ी अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाली लेयर के पर्सपेक्टिव से ही मिलाने की उसको कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो एक बार हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ फ्रेम आगे जाएंगे ब्लर होने से, बस थोड़ा सा पहले, मे बी ये फ्रेम हम लोगों का बेस्ट है आई गेस, तो इसको सेट करेंगे। इसको सेट करने के बाद देखते हैं कि कैसी वीडियो। अब देखो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा मैच हो गया है, जिसकी वजह से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और ऐसा लग रहा है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सच में उड़ रहा है। यहाँ पर से मोशन ब्लर ऑन कर देंगे, क्योंकि वीडियो में मोशन ब्लर है और हम लोग सब्जेक्ट का मोशन ब्लर ऑन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वीडियो नेचुरल है। देखो यहाँ पर से थोड़ा सा इसका एरिया बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब प्ले करके देखते हैं, ये आया और जंप, देखो नेचुरल लग रहा है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप की फ्रेम्स को आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हो, या फिर जो मैंने फर्स्ट क्लास के ट्यूटोरियल में बताया था उस मेथड को यूज़ कर सकते हो। मैं मोस्टली उस मेथड का यूज़ करता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो हम लोग की फ्रेम पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये बार चेक कर लेते हैं, हाँ, तो हम लोग की फ्रेम को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, की फ्रेम पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएंगे, ग्राफ एडिटर पे, यस ग्राफ एडिटर पे जाएंगे, इस वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, लेयर को एक्सपेंड करेंगे, जूम करेंगे ताकि अच्छे से दिखे। अब यहाँ पर से स्लीवर को लेफ्ट साइड पुल कर देंगे। अब यहाँ पर से हमारी स्पीड बढ़ गई, देखो जैसे ही हमारी स्पीड बढ़ी हमारा जो वीडियो है वो थोड़ा सा नेचुरल लगने लगा, ठीक है। हालांकि की फ्रेम वही है लेकिन हमारी वीडियो की स्पीड बढ़ गई बिकॉज ऑफ स्पीड ग्राफ, ठीक है। तो स्पीड ग्राफ का यही काम होता है, हम लोग वीडियो में अपने जो सब्जेक्ट है उसको एनिमेट करके या कोई भी इफेक्ट एनिमेट करके स्पीड ग्राफ से उसका स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वीडियो, ठीक है। अब देखो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता लेकिन ये वीडियो ऐसे थी, ठीक है। अब आगे देखो क्या करना है, ये लैंडिंग वाला पोजीशन है, लैंडिंग वाला पोजीशन जस्ट अपोजिट है, उस वीडियो को कंटिन्यू करना जब आपका सब्जेक्ट बाहर चला जाए तो आपको एक्ट करना है, उसके बाद सब्जेक्ट को बोलना है वापस आके जंप इन करे, ठीक है। जंप करेगा उसके बाद आपका सारा जो मेथड है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाएंगे, तो वो आप कर सकते हो। आप फर्स्ट वाला मेथड यूज़ करके सेकंड वाला अचीव कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, देखो मैंने पेन टूल का ट्यूटोरियल नहीं बताया था, ठीक है, तो मैं वो बता दे रहा हूँ, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, तो मैं यहाँ पर बेसिक तरीका बता दे रहा हूँ, बाकी आप यूज़ करना सीख जाओगे। सबसे पहले सॉलिड क्रिएट करेंगे, ठीक है। सॉलिड क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पेन टूल पे जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला सॉलिड सेलेक्ट करेंगे, पेन टूल पे जाएंगे और उसके बाद मास्किंग करेंगे, ठीक है। आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो, नो मैटर शेप कैसा हो वो वर्क करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मास्क ड्रॉ करा, ये पता क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोगों की जो बैकग्राउंड लेयर है वो एक्टिव है, वो भी ब्लैक है, ठीक है। अब इसको ऑफ करा और ये इसको ऑन कर दिया, ठीक है। जैसे ही ऑन करा देखो आपका पीछे अल्फा चैनल दिख रहा है और ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये क्रॉप हो गया। देखो हम लोगों ने मास्क डिलीट करा, आपको योर सा शेप सेलेक्ट करते हैं, मतलब ड्रॉ करते हैं और देखो ये वैसा हो गया। अब इसके अंदर कुछ सेटिंग्स होती हैं, उसे देख लेते हैं, ठीक है। फेदर क्या करता है, एजेस को ब्लेंड करता है, ठीक है, स्मूथ करता है।
चलो ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा मास्क एक्सपेंशन। ठीक है, मास्क एक्सपेंशन क्या होता है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग मास्क एक्सपेंशन पे जाएंगे थोड़ा सा फेदर करके। अब देखो यहाँ पर से मास्क एक्सपेंशन को बढ़ाएंगे तो जो हमारा मास्क है वो एक्सपेंड हो रहा है। देखो इसको ऑन करेंगे ताकि हमारा मास्क देखे। अब देखो जो हमारा मास्क का एरिया है उससे ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, तो एक्सपेंशन हम लोग यहाँ से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है। मास्क ओपेसिटी क्या करती है, जो हमारा सॉलिड है उसकी ओपेसिटी यानी इंटेंसिटी को कंट्रोल करती है। तो आपको समझ में आई होगा, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद भी आई होगी और आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। और आई होप आप लोगों को डेमो वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी नेचुरल लगा होगा। मैंने नेचुरल बनाने की कोशिश करी थी, ज़्यादा एडिटिंग नहीं करी थी ताकि आप लोगों को ट्यूटोरियल दे सकूं। सो आई होप आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, क्लास पसंद आई होगी। और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो या कम्युनिटी टैब में पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस वाली वीडियो को, मैंने उल्टा बोल दिया, मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।